सहदेव प्रणाम। जयेश माता श्री। आयुष्मान भव पुत्र, वहां रणभूमि में क्या हो रहा है पुत्र? मंजले भैया भीम और भ्राता दुर्योधन के बीच गदा युद्ध होने जा रहा है जयेश माता। मैं भ्राता दुर्योधन का कवच और उनकी गदा लेने आया था। हे पुत्र, युद्ध का चाहे कोई भी परिणाम क्यों न रहे, किंतु ये न भूलना, मेरे पुत्र भी तुम्हारे भाई ही थे। कुंती से मिले? उनसे तो हम लोग विजय के उपरांत ही मिलेंगे जयेश माता श्री। इधर आया था तो सोचा आपके भी दर्शन करता चलूं। वहां मेरी सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जीवित रहो पुत्र, ये हस्तिनापुर के माताओं का दुर्भाग्य है कि उनके पास इस आशीर्वाद के अतिरिक्त और कोई आशीर्वाद रह ही नहीं गया है। और ये भी आशीर्वाद कम है, उनकी आशा का प्रतीक अधिक है पुत्र। सारथी, रथ रोको। की प्रतीक्षा कर रहा था। ताऊ, प्रणाम। ताऊ, आप ठीक समय पर आए। ताऊ, आपके दोनों शिष्यों में गदायुद्ध होने जा रहा है। देवर्षि नारद से यही तो सुनकर मैं सीधा यहां चला आ रहा हूं, क्योंकि ये मेरे दोनों ही शिष्य गदा युद्ध की नीति में निपुण हैं। धृतराष्ट्र पुत्र होने के नाते आपके चरण स्पर्श करने का सम्मान पहले मुझे मिलना चाहिए। अवश्य। तुम तो यूं भी मेरे चहित शिष्य हो, किंतु मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद नहीं दूंगा कुमार। मैंने आज तक इस युद्ध में विजय श्री के आशीर्वाद का कवच पहना ही नहीं गुरुदेव, परंतु आज का युद्ध तो विशेष है और मैं ये युद्ध विजय श्री के आशीर्वाद के बिना ही जीतना चाहता हूं। परंतु गुरुदेव, आप विजय श्री के आशीर्वाद का कवच इस भीम को अवश्य पहना दीजिए। ये युद्ध आप विजय श्री के आशीर्वाद के बिना होने दीजिए ताऊ। गदा युद्ध आरंभ हो।